इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि नए YouTube स्टूडियो में कैसे नेविगेट करें। स्टूडियो में जाने के लिए studio.youtube.com पर जाएं। अगर आपने पहले से साइन इन किया हुआ है तो स्क्रीन के सबसे ऊपर दाईं ओर कोने में मौजूद अपनी प्रोफाइल फोटो पर क्लिक करें और YouTube स्टूडियो चुनें। ये आपको स्टूडियो चैनल डैशबोर्ड पर लाएगा। ये स्टूडियो के लिए आपका लैंडिंग पेज है। यहाँ पर आप अपने वीडियो और चैनल को प्रबंधित करने के लिए बाईं ओर दिए गए मेन्यू का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप स्क्रीन पर सबसे ऊपर दिए गए खोज बार की मदद से अपने चैनल में किसी खास वीडियो को खोज भी सकते हैं। साथ ही आप यहां मौजूद आइकन का इस्तेमाल वीडियो को जल्दी से अपलोड करने, लाइव जाने या पोस्ट बनाने के लिए कर सकते हैं। डैशबोर्ड पर आप चैनल पर हाल ही में हुई गतिविधि की खास जानकारी पा सकते हैं। यहां आप ये जानकारी देख सकते हैं कि हाल ही में अपलोड किया गया आपका वीडियो कैसा परफॉर्म कर रहा है। साथ ही अगर आप ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आसानी से एनालिटिक्स सेक्शन पर जा सकते हैं। आप अपने चैनल के सभी आंकड़ों, चैनल के हाल में बने सदस्यों और चैनल से हुई किसी भी उल्लंघन का एक स्नैपशॉट भी देख सकते हैं। इस व्यू में YouTube से जुड़ी ताज़ा खबरें भी शामिल होती हैं। और अगर प्लेटफॉर्म को मौजूदा समय में किसी समस्या का सामना करना पड़ रहा है तो उसे YouTube की ऐसी समस्याएं जिनके बारे में हमें पता है के जरिए दिखाया जाता है। इसके बाद आप कंटेंट पेज देखेंगे। यहाँ पर आप अपने वीडियो, लाइव स्ट्रीम, पोस्ट और स्टोरीज को एक ही जगह से मैनेज कर सकते हैं। जैसे कि हर वीडियो की विजिबिलिटी, मोनेटाइजेशन, यदि आप YPP में हैं, अपलोड या प्रकाशित होने की तारीख, व्यूज, कमेंट्स और लाइक्स व डिसलाइक्स देख सकते हैं। आप सूची को फिल्टर करने के लिए फिल्टर बार पर क्लिक कर सकते हैं। अगर आप किसी वीडियो पर माउस को घुमाते हैं तो आपको क्लिक किए जा सकने वाले 4 आइकन दिखेंगे। इनकी मदद से आप वीडियो के ब्योरे में बदलाव कर सकते हैं, वीडियो के स्तर पर उपलब्ध आंकड़ों को देख सकते हैं, वीडियो पर की गई टिप्पणियों की समीक्षा कर सकते हैं और दूसरे कई काम कर सकते हैं। वीडियो की सूची पर वापस जाने के लिए उल्टे तीर के निशान पर क्लिक करें। प्लेलिस्ट पर जाकर आप अपनी प्लेलिस्ट बना सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं। एनालिटिक्स में आप मेट्रिक और रिपोर्ट की मदद से अपने चैनल और वीडियो की परफॉर्मेंस पर नजर रख सकते हैं। टिप्पणियां पेज पर आप वीडियो पर आई टिप्पणियों की समीक्षा करने, उन्हें फिल्टर करने, मॉडरेट करने और उनका उत्तर देने जैसे काम कर सकते हैं। सबटाइटल पेज आपको वीडियो में सबटाइटल जोड़ने की सुविधा देता है। कॉपीराइट पेज पर आप कॉपीराइट से जुड़ी शिकायत करने के वेब फॉर्म को सीधे एक्सेस कर सकते हैं। साथ ही आप कॉपीराइट का उल्लंघन करने वाले वीडियो हटाने के इतिहास को भी देख सकते हैं। यहाँ आप YouTube पर सबमिट किए गए कॉपीराइट का उल्लंघन करने वाले वीडियो हटाने के अपने पिछले अनुरोध देख सकते हैं और अपनी शिकायतों की स्थिति की जाँच कर सकते हैं। कमाई करना पेज आपको कमाई करने के बारे में खास जानकारी देगा। साथ ही ये पेज अलग अलग टैब की मदद से आपको कमाई करने के खास स्रोतों जैसे कि बेची जाने वाली चीजें, सदस्यताओं और ऐसे ही दूसरे तरीकों के बारे में बताएगा। अगर आप फिलहाल वीडियो से कमाई नहीं कर रहे हैं तो इसके बजाय आपको एक लैंडिंग पेज दिखेगा जिसमें कमाई करने के लिए जरूरी शर्तें पूरी करने से जुड़ी आपकी स्थिति की जानकारी होगी। साथ ही अगर लागू हो तो ये दिखाया जाएगा कि आप YouTube पार्टनर कार्यक्रम में शामिल होने की जरूरी शर्तों में से कितनी पूरी कर चुके हैं। पसंद के मुताबिक बनाए पेज से आप अपने चैनल के लेआउट, ब्रांडिंग और बुनियादी जानकारी में बदलाव कर सकते हैं। और आखिर में ऑडियो लाइब्रेरी की मदद से आप वीडियो में मुफ्त संगीत और साउंड इफेक्ट जोड़ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे और वीडियो के लिए YouTube क्रिएटर्स इंडिया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।